गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हम है ना यहाँ पे मस्त ग्रास में फील कर रहे हैं, ग्रास को फील ले रहे हैं आर्टिफिशियल ग्रास का। और उधर जो दूर पे देख रहे हो वहाँ पे रियल ग्रास है। यहाँ पे बिग मिरर भी है। अरे हाँ, वहाँ पे तो हम लोग है। सो आज है ना, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, वी विल गो टू बेलगम फर्स्ट। अंबोलीगढ़ से जाने का मन कर रहा है बिकॉज चोड़ला भी देखिए महीना भर पहले आए थे, चोड़ला वॉज नॉट इन गुड शेप। कल बेलगम से जब इधर आ रहे थे अनमोड़ से, वो भी उतना मज़ा नहीं आया। एक घंटा ऐड करके जा सकते हैं अंबोलीगढ़ से, बट अंबोली से जो निपानी चढ़ेंगे ना वहाँ से बेलगम के बीच में रोड कंस्ट्रक्शन भी हो रहे हैं। आ जाओ रिक्शा में चलेंगे, तैयार है? रुद्रा रिक्शा में चलेंगे। निकल रहे हैं अपने रिसोर्ट ऑक्सीजन से एंड यहाँ से है ना राइट जाएंगे। ये हमारा यहाँ से जाने का था रिसोर्ट पे, और यहाँ पे एक आयुर्वेदा मसाज है। गेट कल नहीं था ऐसा लगा। अच्छा, कल मैं स्ट्रेट निकला था फिर हाँ। इस तरफ आए थे। तो ये जो नैरो है ना, ये आपका मेन रोड से इस तरफ अंदर था रिसोर्ट। और अगर आपको रिसोर्ट का रिव्यू चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो में जाओ, रिसोर्ट का रिव्यू एडेड है। यहाँ से हम लोग है ना राइट चले जाएंगे और साइड एंड उधर पेड पार्किंग भी है, अगर किसी आप दूसरे रिसोर्ट में रुक रहे हो ना यहाँ पे पार्किंग नहीं है उसके लिए। कंटिन्यू ऑन नेशनल हाईवे 66 सो 19 किलोमीटर्स। वी एंटर टू नैनी 66 पंजिम में 68 किलोमीटर फ्रॉम हियर। बट हम लोग तो अभी पंजिम नहीं जा रहे, वी आर गोइंग टू अनमोड। बट हम लोग है ना एक लंच ब्रेक चाहिए रास्ते में कहीं, देखते हैं कहाँ रुकते हैं। थार देखो, एक टायर चेंज किया उसने, अच्छा लग रहा है। इसका मतलब क्या था पता है आपको? ये वीडियो को लाइक करना है। ये वीडियो थम्स अप। NH66 से उतर के है ना करीब 15-20 किलोमीटर से चल ही रहे एंड सनवर्दे में भी गोवा का क्रॉस किया है। ओह, तो धीरे क्यों चल रहे? दिस इज पार्ट ऑफ भगवान महावीर दास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टी सातेरी देवस्थान। तो शिवगांव करके ये जगह है, कुले लिख रहे हैं वो गोवान में, एक्चुअली कुले में हम लोग इंग्लिश में बोल रहे थे, कुले शायद बोलते होंगे। तो देखो ये टेंपल होगा शायद, ये अभी तो फिलहाल बंद है। हाँ, यहाँ पे टेंपल है ना। और हम लोग है ना यहाँ ये दूध सागर जो है उसके ऊपर से काइंड ऑफ चल रहे हैं। और हम तीनों को भूख लग रही है। नहीं, मुझे 50% भूख लग रहा है, पूरा हैवी। और ओलिविया को बहुत ज्यादा। यस, मैं बोलूं मुझे भूख थोड़ा सा कम क्यों लगा, बिकॉज़ मैंने हैश ब्राउन खाया ना इसीलिए। बहुत नैरो रोड है, बट आई विल रियली अप्रिशिएट गोवन गवर्नमेंट इतने अप साइड में अपहिल में, क्योंकि पूरा मैं चढ़ाई चढ़ के आया हूँ, उन्होंने इतना अच्छा रोड बनाया जिसमें रियली मुझे व्हीकल्स दिख रहे हैं। रोशन रेस्टोरेंट में आ गए हैं, तो रिव्यू उतना ग्रेट नहीं है, 3.4 है, बट थॉट कि चलो खा लेते हैं। तो वी हैड बहुत कुछ, सुरमई फ्राई, देन क्या लिया था हमने, वो चिकन रोस्ट फ्राई, चिकन सूखा, चिकन विंडालू, चपाती, राइस, दाल, कोल्ड ड्रिंक्स सब मिला के ना 1950 का बिल था। तो ब्रेक वॉज गुड बट सर्विस थोड़ा सा स्लो था, इन द हाईवे प्रोबेबली विल समथिंग फास्ट। तो 6 बजे हम लोग बेलगम पहुंच जाएंगे, तो इट इज लुकिंग सेफ बिकॉज जो अपना अनमोड़ घाट के बाद भीमगढ़ वाला सेंचुरी रोड है ना, अरे क्या बोलते रहते गूगल देखिए, तो जो भीमगढ़ वाला रोड है वो तो 6 बजे से पहले क्रॉस करना ही पड़ता है। एंड अभी है ना ये रिया कुछ चॉकलेट लेके आई, पल्स का फर्स्ट कॉपी। नहीं, ये ओलिविया बोली अच्छा चॉकलेट है, पल्स का फर्स्ट कॉपी है एंड दिस इज कॉल्ड पजल। तो हम लोग पजल खाते हुए अभी निकलेंगे। गोवा का लास्ट पेट्रोल पंप है एंड आई थिंक देयर इज अ चेक पोस्ट। इसका वॉशरूम बहुत खराब है। इसका गई थी तुम पहले? ओके, अच्छा, तो उन्होंने हमको जाने दिया
वो हम लोग सोच रहे थे थोड़ा अल्कोहल के लिए चेकिंग वेकिंग करेंगे क्या, बट हम तो शक्ल से शरीफ लगते हैं ना, तो क्यों चेकिंग करेंगे हमारा। तो ये अभी हम लोग गोवा से निकल गए हैं, अब कर्नाटक एंटर हो रहा है। बट एक चीज है, अगर हम लोग कुछ लेके आते हैं ना तब पक्का चेकिंग करते, कुछ नहीं लेके आए। ये देखिए भगवान महावीर दास सेंचुरी का ये एंट्री वॉल्यूम गोवा। यहाँ पे भी स्टे ऑप्शन है, स्टे ऑप्शन है, इसका अंदर एक है। तो हम लोग गए थे ना बाइक से घूमने के लिए, तो यहाँ पे देखो लोग यहाँ पे पार्क करके भी जाते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये पहाड़ और ये वादियाँ। ये जो ऑफिशियल हमारा गोवा बॉर्डर है ना अभी आने वाला है, बट वो चेक पोस्ट पीछे ही है क्योंकि इसके बाद कुछ लिकर शॉप नहीं है, क्योंकि घाट के बीच में बॉर्डर है। दबा के खा लिया है हम लोग ने। नींद भी आ रही है, लग रहा है बेलगम में चाय पीना पड़ेगा। ये देखो लेफ्ट में कितना बढ़िया लग रहा है नजारा, बट रुक नहीं सकते बिकॉज दिस इज ऑन द घाट स्ट्रेच। आप देख लो विद आवर लेंसेस कर्व्स में है ना, रियली ड्राइविंग इज ग्रेट। मतलब आपको आप एंजॉय करोगे इफ यू लव ड्राइविंग इन द घाट्स। एंड जब आपके पास लाविया जैसी गाड़ी है, यहाँ पे आपको पावर की कमी नहीं होती है। देखिए एसी 16 डिग्री में करके रखा है। अच्छा कुछ लोग मुझसे ना एसी के बारे में पूछते रहते हैं, बट ऐसे ना i20 का जो मेरा एसी था उससे इसका एसी वीक है। बट ऐसा नहीं है कि ये आपको परेशान करेगा, मतलब आप दूसरे गाड़ियों में जो 24 में गाड़ी के अंदर बैठते हो ना, यहाँ पे 18 करके बैठ जाना तो यू विल गेट द टेम्परेचर जो आपको चाहिए। सो हैदराबाद इज 658, बेलगाम इज 84 ना, वी हैव क्रॉस द बॉर्डर। डिफरेंस यही हुआ है रोड, वहाँ पे पीच वाला रोड था, यहाँ पे सीमेंटेड रोड है। आगे हम लोग को लेफ्ट लेना है टुवर्ड्स दिस वन, क्या बोलते हैं, अनमोड के लिए। तो यहाँ पे ना अपना गाड़ी रोका गया, तो वहाँ पे कुछ लोग एंड वहाँ पे लिकर चेक कर रहे थे। तो जो हमने सोचा था कि नहीं चलो बॉर्डर हो गया, बट एक्चुअली लिकर चेकिंग यहाँ हुआ। पर यहाँ से ना हम लोग लेफ्ट जाएंगे, बट ये मैप क्यों, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, लेफ्ट बता क्यों नहीं रहा। पर देखिए चालू हो गया, यहीं से चालू हो गया। देखिए सबको 34 किलोमीटर नॉट दैट बैड, बट हाँ इसमें से ये वाला थोड़ा सा स्ट्रेच निकलेगा। क्या बोलते हो, एक थार ले लेना चाहिए हमको? नहीं क्योंकि ये तो छोटे मोटे खराब रोड है ना जो अपनी गाड़ी कर सकती है। ये 5 मिनट या फिर आगे जितना मिलेगा, आधा घंटा का रास्ता अच्छा बनाने के लिए, व्हाई यू वांट टू स्पॉइल एंटायर 11 आवर्स का ड्राइव है ना। आधा घंटे इसमें चल लेंगे, ऐसा नहीं कि ये चल नहीं सकता है। एंड यू डोंट नीड 4x4 फॉर दिस टाइप ऑफ बैड रोड्स है ना। तो जो लिकर का चेकिंग था ना वो अभी यहाँ पे हुआ, उन्होंने बैग वगैरह ऊपर ऊपर से हाथ लगा के देखा, कुछ था नहीं अपना तो कोई टेंशन नहीं था। और अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख रहा है, नो एंट्री फॉर व्हीकल्स फ्रॉम 6 PM टू 6 AM, वही जो इंस्ट्रक्शन है ना जो मैं आपको बोलता हूँ। तो अभी इट इज 4:14, सो वी हैव एंटर्ड द घाट एट द राइट टाइम। और एक चीज है, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर क्रॉसिंग अनमोड घाट ऑन एट दिस टाइम। हम लोग कभी भी इतना 4:15 कभी क्रॉस नहीं किया, हमेशा सुबह ही क्रॉस किया है। हाँ तो देखते हैं कुछ अगर मिल जाता है चीता भालू देखने को। हाँ शाम का टाइम हो गया ना। हाँ। नहीं वो ओलिविया बोल रही है कि लेपर्ड सब सो रहे हैं अभी। देखते हैं बाकी पता चलेगा। लास्ट 8 किलोमीटर से है ना रास्ता ठीक ही है, एज ऑफ नाउ तो सही चल ही रहे हैं। 26 किलोमीटर में लेफ्ट बता रहा है, मतलब अभी भी अच्छा खासा रेंज बाकी है यहाँ पे हमको ड्राइव करना है। और यहाँ पे ना रोड्स नैरो है, और सिंस रोड का कंडीशन अच्छा है ना, इतना एफर्ट नहीं लग रहा है ना। 1.5 किलोमीटर इस रास्ते में हो गया, एंड इट सीम्स यहाँ पे वो कुछ बना रहे हैं, बट उनको जाना पड़ेगा उधर क्योंकि ये मेरा रास्ता है। देखो मैं भी पिछले टाइम उस टूटे फूटे रोड से आया था। रुको भैया सबर करो। हाँ तो अभी 1.5 से 2 किलोमीटर के बाद रोड का वो स्ट्रेच से तो निकले जो एकदम टोटल ब्रोकन था, वो भैया है ना मुझे लग रहा है पूरा तोड़ तोड़ के जा रहे हैं, एंड देन ये लोग शायद फिर से बनाएंगे इस रोड को। तब तक बारिश आ जाएगी और फिर से वैसी के वैसी हो जाएगी। वो आगे देखो नेक्सॉन लेके कैसे कैसे आ रहा है, अभी हम लोगों को भी उसी ब्रिज पे जाना है। और ईवी भैया तो ईवी लेके आ रहा है, इधर चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेगा ठीक है ना। मैंने टेस्ला का एड देखा था,
टेस्ला वाला ये लेके घूम रहा है, क्या बोलो, जनरेटर लेके घूम रहा है। क्यों? अगर चार्ज खत्म हो गया तो और स्टेशन नहीं मिला तो वो जनरेटर चलाएगा, फिर उससे चार्ज करेगा और साथ में डीजल भी लेके घूम रहा है खुद जी भी। एनीवेज हम लोग है ना इस रोड में ड्राइव करते करते ना बकवास करना शुरू कर दिए। 4.25 किलोमीटर का बैड रोड क्रॉस करके वी हैव एंटर टू द गुड रोड्स। अगर आपने लास्ट मेरे वीडियो में सिनेमेटिक एक शॉट देखा था ना, बहुत बढ़िया सा, यहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया था, यहीं पे गाड़ी भी हमने पार्क किया था। तो नेटवर्क अभी आ चुका है एंड बेलगम का ट्रेवल टाइम है ना थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, क्योंकि पहले नेटवर्क में नहीं था ना तो वो बढ़ा के रखा था, तो 603 का अराइवल बता रहा है। रोड ब्लॉक कर लिया, रोड जितना नहीं है उसका सामान उतना रोड लिया उसने, देखा कितना सामान लेके जा रहा है, इसीलिए रुक गया मैं, घिसाएगा गाड़ी में मुझे लग रहा है इसके साथ भी, कितना बड़ा लेके जा रहा है। हाँ नहीं वो उस तरफ चला गया, अच्छा खासा गैप है उनके साथ, वो भी देख रहे हैं मैं इनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। इट्स काइंड ऑफ 5:21 PM, ड्राइवर पे रिया एंड अभी सनसेट का टाइम होने वाला है क्योंकि अरे ये मैप स्टार्ट करना है, मैप क्या पूछ रहा है, आप स्टार्ट करना चाहते हो कि नहीं? तो देखो 43 मिनट्स है यहाँ से बेलगम, 605 का अराइवल है, तो दिस इज नाइस एक्चुअली। यहाँ पे 26 किलोमीटर और अपना अराइवल है, इस रोड में कम से कम 20 किलोमीटर तो मिल जाएगा ना रिया तुमको अच्छा से ड्राइव करने के लिए। ये इसी रोड के लिए तुम चलाने आई हो ना, गंदा रास्ता निकल गया था यहाँ। 120 नहीं 100 लगाओ लगाओ नहीं 87 88 90 94 92 अरे कम क्यों कर दिया, कर वे इसलिए ये रिया का 120 हो गया विद वीडियो एविडेंस। बेलगम सिटी एंटर कर रहे हैं और लेफ्ट जाना है ना, हम है ना ओलिविया को ड्रॉप करते हुए निकल चुके हैं मुंबई की तरफ, बट वी विल हैव टी, उसको हॉस्पिटल जाना तो था तो स्ट्रेट वे शी वेंट टू द हॉस्पिटल। रिया अभी भी ड्राइविंग सीट पे है, वी आर मूविंग आउट ऑफ बेलगम और यहाँ से रिया लेफ्ट की तरफ जाना है तुमको, यू टर्न लेना है, नहीं नहीं लेफ्ट, ये लेफ्ट जो रोड जा रहे हैं इसी में सर्विस रोड में। ऐसे तो हम लोग को हाईवे पकड़ के मुंबई जाना था बट वी आर गोइंग फॉर ए टी ब्रेक, तो देर इज ए चाय दुकान, हमने गाड़ी पे कनेक्ट नहीं किया, नोन एज तंदूरी चाय, सो वी आर ड्राइविंग टू तंदूरी चाय विच इज लाइक 2.5 किलोमीटर फ्रॉम हियर। गावकरी नहीं तंदूरी चाय, उसके बाद प्राचीन ढाबा के बाजू में लक्ष्मी ढाबा, इधर तो बता रहा है लगा दो गाड़ी के, हाँ लगा दो गाड़ी के इधर। हम लोग तंदूरी चाय पी के निकल चुके हैं, अच्छी चाय बनाया था, हाँ अच्छा डाइवर्जन तो अच्छा चाय भी था। हाँ और ये एकदम हाईवे से ना बहुत ज्यादा डाइवर्शन नहीं है, हम लोगों को लग रहा था ज्यादा डाइवर्शन है, तो उन्होंने है ना मस्त एकदम है ना चाय का जो वो कुल्लर में उबाल उबाल के मस्त सा चाय बनाया, थोड़ा सा मीठा था, हम लोग बिना शक्कर का पीते हैं, लेकिन ये ओलिविया का रिकमेंडेशन था। कुल्लू मनाली टी स्टॉल एकदम हाईवे पे है, मैं आपको लोकेशन डाल दूंगा, रिकमेंडेड 20 रुपए की एक चाय बट बहुत औसम। और आगे आप देखो सतारा 211 कोल्हापुर इज 99, कोल्हापुर तक रिया ड्राइव करोगे राइट, तो रिया कोल्हापुर तक ड्राइव करने वाली है और एज ऑफ नाउ मैंने मुंबई का लगाया है 3:41 का मुंबई का अराइवल दिख रहा है। ये जगह जगह पे है ना इस तरह के डाइवर्शन बने हुए हैं तो इसके वजह से हल्का फुल्का सा ट्रैफिक हो रहा है, क्योंकि ये सिंगल लाइन हो जाती है ना देन ट्रक्स तो अपने स्पीड से निकलते हैं, देन देयर आर टू व्हीलर्स ऑल्सो एंड यू कैन नॉट ओवरटेक, तो ये है ना बार बार ही आ रहा है ये लाइक 2-4 किलोमीटर में एक डाइवर्शन आ ही रहा है। अभी है ना 7.5 घंटे का ट्रेवल बाकी है, हम लोग ऑलमोस्ट कर्नाटका के लास्ट टोल में आ चुके हैं, तो ये देखिए कर्नाटका बॉर्डर, ये टोल के बाद है ना यहाँ से वो कर्नाटका बॉर्डर छोड़ के है ना हम लोग महाराष्ट्र एंटर कर जाएंगे। एज ऑफ नाउ कोल्हापुर का एक होटल लगाया है डिनर के लिए बिकॉज 8:15 हो रहा है ना, ऐसे भूख तो उतना नहीं लगा बट वी डोंट वॉन्ट टू डिले टूडे, 8:15 हो रहा है ना तो करीब 8:45 तक हम लोग पहुँच जाएंगे वो होटल।
हाईवे के साइड में है ना ये, स्काईलैंड होटल पे रुके हैं फॉर डिनर। कैसा है मटन घी रोस्ट? अच्छा है। डिनर करके निकल चुके हैं तो स्टेयरिंग में मैं आ गया हूँ। 9:35 का टाइम हो रहा है, 4:50 करीब मुंबई का अराइवल है सुबह का, और अभी भी हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हम लोग रुके कि रुके कि चले जाए, क्योंकि वो डिपेंड करेगा तो यहाँ का कल ऑफिस है। हाँ, और यहाँ जो स्काईलैंड में रुके थे ना तो वहाँ पे कुछ 3,000 का रूम था। हाँ। तो हमने और फिर आगे इंक्वायर नहीं किया क्योंकि फिर यहाँ से मुंबई भी तो लंबा ही है ना, तो इतने जल्दी रुक के क्या करेंगे, और एनर्जी है अभी अपने में। और साथ में मटन क्या लिया था हमने, मटन घी रोस्ट और साथ में बटर नन लिया था, पानी वगैरह और मसाला पापड़ के साथ है ना। टोटल बिल करीब कितने का था? शिट यार, ऐसे चलाते हैं। तो टोटल बिल जो मैं बोल रहा था ना 510 का था। तो हाईवे में देखो लोग कैसे चला रही है, ये I-20 को देखो पीछे एक तो ढुका हुआ भी है, क्या चला रहा है वो, इसको जाने दो यार, इसको बहुत जल्दी है ना, इंडिकेटर है ना कुछ, है राइट लेफ्ट मारे यार, शिट 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 कुछ भी चला रहा है गाड़ी, देखो वो देखो दरवरों ने भी लिया ना, वो लग तो रहा है कुछ, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ अब्नॉर्मलिटी लग रही है इसकी ड्राइविंग में, अपनी ही धुन में चल रहा है वो सीरियसली। चलिए ऐसा तो चलते रहेगा, उसको कितने देर ट्रैक करेंगे। करट से पहले जस्ट मलकापुर के आसपास है हम लोग, और स्लो मूवमेंट आप देख पा रहे हो, दिस इज मेजरली ड्यू टू द ट्रैफिक ना। यहाँ पे आपको देखो 6 मिनट का ट्रैफिक दिख रहा है, ये ट्रैफिक एग्जैक्टली करट एंट्री पे है, यहाँ पे कुछ रोड का काम हो रहा है। मुंबई और 325 किलोमीटर चिपलून 90, चिपलून क्यों जाना है हमको, पुणे 163, सतारा 52। तो क्या करना है डिया, रुकना है कहीं, तो पुणे तक पहुंच जाए यार अपन, चलो पुणे तक तो चलते हैं। ठीक है, पुणे कितना है, 163 मतलब 3 घंटा, 3.5 घंटा, 3.5 घंटा है क्या, 3 घंटा। सतारा में भी रुक सकते हैं वैसे, क्या बोलते हो? सतारा देखो, सतारा जाके डिसाइड करते हैं, अगर सतारा से निकलते हैं फिर तो सीधा पुणे, पुणे से निकलते तो सीधा मुंबई। देखो कितना ट्रैफिक है, हाईवे चढ़ने नहीं दिया दे रहा है ना किसी को, हाईवे ब्लॉक्ड है, डोंट नो व्हाई, कुछ काम वाम हो रहा होगा शायद, ये फ्लाईओवर चढ़ने नहीं दिया, एक्सीडेंट हुआ, ऊपर ट्रक खड़े हुए हैं दो। फाइनली क्रॉस किया जो सतारा टनल था ना, और वी आर गोइंग डाउनवर्ड्स वर्ड्स पुणे, पुणे और यहाँ से 68-70 किलोमीटर्स है। बट यहाँ पे है ना उन्होंने बहुत मोटे मोटे रमलस लगा दिए हैं। जा रहा है उसको जगह है करके, तो ये है ना अभी हम लोग खेचीपुर टोल पहुँच ही गए, वो जाने नहीं दे रहा है। ठीक है ना, टोल ही है और क्या, कितना ही चले जाओगे, टोल के बाद खींच लेंगे। सो दिस इज खेचीपुर टोल इन मुंबई के अराइवल अभी। अरे देखो ना सारी गिरे गिरे है, देखो भाई तो ऐसे चलाएंगे तो गिरे हुए होंगे, तो चला रहे हैं अपनी गाड़ी हम, तो ये देखो आरटी आ गया इधर, नहीं है आते आते उसको लगा कि नहीं वो वाला सही है। और अभी कितना है, 3 घंटे 33 मिनट का ट्रेवल टाइम है, ये हुआ था 5:30 बजे दिखा रहा था, और हमारे वंदे भारत पायलट ने इसको 4:12 का पूछा दिया है। अभी हम लोग ब्रेक लेंगे ना, ब्रेक के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अरे मैं आ रहा हूँ अभी क्योंकि इतने लाइट से लोग इतना हाई बीम में चल रहे हैं ना। देखो कितना हाई बीम में चल रहे हैं, मतलब गाड़ी में स्पार्क हो रहा है। एक मैं रील देखा था इंस्टाग्राम का, तो कोई ऐसा LED लाइट लेके ऐसे करके उल्टा दिखाता है पीछे जो हाई बीम में आता है। बट अपना ये जो है ना ऑटो वाला, दिस इज रियली गुड, ये जो भी रिफ्लेक्शन आ रहा है रेयर मिरर से आ रहा है ना,
रियर मीटर से आ रही है, ये तो किल कर देता है। खेचीपुर टोल के बाद है ना, थोड़ा चाय पी के निकल चुके हैं, वॉशरूम ब्रेक भी हो गया और अब है कतराज टनल के अंदर। बाहर की आवाज से समझ सकते हो यहाँ पे है ना, ये पूरा टनल में है ना मार्क मार्क किए हुए हैं, तो टायर के है ना बहुत साउंड होता है इसमें। और मुंबई कितना, 4:30 बजे सुबह का ETA बता रहा है, 15 मिनट का हमने ब्रेक ले लिया इधर, 3 घंटा 24 मिनट। मेरे हिसाब से अभी चल लेते हैं मुंबई, क्योंकि 3 घंटा 24 मिनट में इस जगह से मुंबई तक है ना, इवनिंग ट्रैफिक में तो कभी नहीं पहुंच सकते। क्या बोलती हो रही है, इतना टाइम तो नई मुंबई लग जाता है कभी कभी। बात तो सही है, और हॉल्ट लेने का मेरे को कोई मतलब नहीं लग रहा है। मतलब नहीं लग रहा है, टायर्ड हुए तो थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, बट हॉल्ट तो नहीं लेंगे। वी आर एट पुणे एक्सप्रेस हाईवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे हिट कर चुके हैं हम लोग, और हमारे साथ एक कांड हो चुका है। कांड नहीं है, दिस इज जस्ट अ टेक्निकल ग्लिच। कुछ तो एक इशू हुआ है स्लाविया के ऑडियो सिस्टम पे, हमारा यहाँ पे मीडिया ऑप्शन नहीं आ रहा था, अभी मीडिया ऑप्शन दिख रहा है, बट गाना नहीं बज रहा, रेडियो नहीं बज रहा है, कुछ तो इशू है। और मुझे पता है ये वाला इशू क्या लगता है ना, ये अभी अगर हम लोग 10 मिनट गाड़ी को छोड़ देंगे फिर वो चलेगा, ये मेरा फील है, बट पता नहीं। अब विदाउट ऑडियो हम लोग चल रहे हैं, यस, बट ऑडियो सिस्टम में कोई इशू नहीं है, जैसे ये सब जैसे अभी बीप आपने सुना ना, दैट इज ऑन, और इसको भी हम लोग सुधारने के चक्कर में वे स्पेंड 10 मिनट्स। और स्वयं कितने बार गाड़ी बंद करके बाहर बेचारा खड़ा होके, अरे सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ है, मैं मुझे लगता है कि मुझे वो करना पड़ेगा। क्या होता है ना, अपना फोन का सॉफ्टवेयर जब अपडेट हो जाता है ना, एंड्रॉइड ऑटो या एप्पल कारप्ले बोलो, उसके बाद क्या होता है कि ये गाड़ी का सॉफ्टवेयर भी अपडेट करना पड़ता है, जो हमने कराया नहीं। वो तो खुद से भी कर सकते हैं वैसे, बट करना पड़ेगा। नहीं, मैं गाना बिल्कुल नहीं बज रहा है। वो देखो एक BMW जा रहा है, Lexus। और 2 घंटा 8 मिनट हम चल रहे हैं लोनावला। लोनावला का फर्स्ट एग्जिट है ना क्रॉस किया है, आप लेफ्ट में देख सकते हो लोनावला टाउन, कितना दिख रहा है नहीं पता, यहाँ पे है ना थोड़ा सा भीड़ लग रहा है, ट्रक्स है आज हाईवे पे। लोनावला के बाद है ना फुटबॉल में टी ब्रेक लिया, जो नया वाला है ना जहाँ पे मैकडी वगैरह है वो तो क्लोज था, जो पुराना वाला था उसी में हमने टी ब्रेक लिया, एंड देन वी आर हेडिंग स्ट्रेट। और एक अच्छी बात है कि हमारे गाड़ी का गाना फिर से सेट हो गया, जैसे ये रिसेट हुआ ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये देखिए इक्को चिक्को बज रहा है। क्या हो रहा था ना, गाने के बिना बहुत नींद आ रहा था, तो इसीलिए हमने टी ब्रेक भी ले लिया, और अभी 1.5 घंटा बता रहा है गूगल मैप्स। अभी ठाकुर विलेज की तरफ घुस रहे थे लेकिन ये तो फंस गया। आगे से ये आगे वाले फ्लाईओवर से चलते हैं, यहाँ से निकल पाएंगे क्या? नहीं, ये ऊपर से नीचे गिरा होगा गाड़ी। नहीं, ऊपर से नहीं गिरा होगा, टूटेगा ना। हाँ, पीछे जा पाएंगे क्या? पत्थर है, नहीं निकल तो पाता, लेकिन वो पत्थर है ना, पत्थर हटाना पड़ेगा। बेटर है हम लोग निकल जाते हैं। देखो फ्रेंड्स, लास्ट यहाँ से जाके राइट टर्न लेना था सिग्नल से मेरे घर के लिए, बट नहीं ले पाए हम लोग, नहीं ले पाए। शिट यार, ये पूरा तोड़ा है, इसके ऊपर से कूद के गया होगा गाड़ी। डोंट सी अर्टिगा को भी ठोका है, नहीं ये अर्टिगा से इसके लिया है। हम हमारे घर के लिए ना एक आगे के फ्लाईओवर से भी रास्ता है, तो वी हैव टू टेक दैट रोड।
इतने क्या है, एक नवी मुंबई में, कांदिवली में, इतनी क्या जल्दी यहाँ से, तो यहाँ पे एक्सीडेंट होना ही नहीं चाहिए। नींद नींद में चलाया गाड़ी, नींद में भी हो सकता है। राइट राइट, वेलकम टू होम। हेलो एवरीवन, हाय, पूरा ग्लेयर आ रहा है। तो आज है 14 अप्रैल और ये फरवरी का गोवा ट्रिप, हम लोग उसका एंड शूट करना भूल गए और बीच में इतना हेक्टिक जा रहा था, तो एडिटिंग भी बाकी, हम लोग घर वगैरह ढूंढने में लग गए थे। तो ओवरऑल जो गोवा का ट्रिप था ना, इट वाज वेरी गुड, जो हम लोग एक ही दिन के लिए गए थे, बट स्टिल वी एंजॉयड। बट राइट नाइट का क्या बोल रहा हूँ मैं, नाइट का जो ड्राइविंग है ना, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो गया था, क्योंकि तो वो वन डे भी नहीं था, बेसिकली हम आधे दिन के लिए गए थे कहने के लिए। एनीवेज, ऐसा तो हम लोग ट्रिप करते ही रहते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो है ना, समृद्धि महामार्ग का आने वाला है, तो हम लोग समृद्धि महामार्ग ऑलरेडी जा चुके हैं और उसके बाद एक बार अरम्बोल का भी ट्रिप लग चुका है, बट सब एडिटिंग में पड़ा है। होपफुली मैं बहुत जल्दी आपको वीडियोज लेके आ सकूं। एंड अपना है ना, साथ में लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, हम लोग घर पर भी शिफ्टिंग कर रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम कांदिवली टू थाने, तो बीच में हाउस हंटिंग और इसके चक्कर में वीकेंड जा रहे थे और वीकडेज ऑफिस में जा रहे थे, क्योंकि ऑफिस भी मैं जाना चालू कर दिया हूँ अभी। चलो एनीवेज, करते हैं ये वीडियो को यहीं खत्म। और आपको पता है क्या करना है, यू हैव टू सब्सक्राइब टू अस। गला पूरा बैठ गया है, टोल के प्राइसेस कहीं स्क्रीन पे आ रहे होंगे, एंड मैंने एक स्नैप लिया था माइलेज वगैरह का, वो मैं साथ में डालता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन बाय।